पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने चीकू की मदद के लिए उसके साथ जाना है, तेरे से कैसे दूर रहूंगी मैं? सुनना मीता, थोड़े से दिनों की बात है, साथ में चलते हैं यार, मान लेना बात। मनमीत, जब तेरे बापू सरकार तेरे से बात तड़ा करते तो हर रोज तन्ने तड़पते हुए देखती हूँ। तूने पूरा बचपन अपने परिवार के बिना काटा है अकेले, हमेशा खड़ा रहा है तू मेरे साथ। इस बार ये मौका अपनी मीत ने देते, एक बार चीकू का परिवार मिल जाए, मैं उसने उनसे मिला दूं, फिर मैं वापस लौट आऊंगी ना अपने परिवार के पास। आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं देख सकती, मैं आप दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप उस बच्चे को ना मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे उसके माँ बाप और परिवार से मिलवा दूंगी। मतलब जब ढूंढ निकालूंगी तो मिलवा दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम मिनिस्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए क्या है ना कि आप लोगों को इस काम में टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी बोल रही हूं ना, आप उसे अपनी आंखों से सच होता हुआ देखेंगी। इच्छा मैडम जी सही कह रही है, मैडम जी के पास ताकत है, यो बच्चे के माँ बाप को ढूंढने में मदद कर सकती है, और यो काम भी जल्दी हो जाएगा, और तुझे मुझे और सुमित को छोड़ के जाना भी तो नहीं पड़ेगा। सोच ले एक बार, मत जा, मान ले बात। जल्दी करवा देंगी यो, ठीक है? ठीक है। बेचारी सुमित, जब उसकी आंख खुलेंगी उसका चीकू भैया जा चुका होगा। कमाल है, बेटी ने छोरे को मौत के मुंह से बचाया और माँ ने उसे वापस मौत के मुंह में धकेल दिया। बच्चे को मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरा स्टाफ लेके जाएगा, और अब से इस बच्चे की देखभाल भी मेरा स्टाफ ही करेगा। अगर मैं चीकू के सामने आई तो वो भाग खड़ा होगा, तो मैं अपने स्टाफ को फोन करती हूँ, वो लोग अभी आ जाएंगे। हो जाएगा ना? चीकू का ऐसे जाना पता ना क्यों मन ने बेचैन कर रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।